प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश में आए दिन हो रहे आपराधिक मामलों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। आज जयपुर में एक अध्यापिका के मर्डर मामले पर उन्होंने चिंता व्यक्त की। राजस्थान सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है और आप देख रहे होंगे पिछले दो वर्ष से जब से कांग्रेस सरकार है तब से आए दिन मर्डर के केस बढ़ रहे हैं, बलात्कार के केस बढ़ रहे हैं, अगवा के केस बढ़ रहे हैं और इस तरह से पुजारी तक को आग में डालकर जला दिया गया। उसके बाद भी राजस्थान सरकार को समझ में नहीं आ रहा है और आज सवेरे जिस तरह की जो घटना हुई है, एक महिला अपने मकान में रह रही है और उसके साथ 50 वर्षीय महिला है और इससे बड़ी बात तो युगांतर शर्मा की सिस्टर बताई गई है, उसकी सिस्टर का मुंह बांध करके और मर्डर करना और एक जयपुर मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे इस तरह की जो घटना हुई है, इससे बड़ा शर्मिंदगी के नाक और कोई कार्य नहीं हो सकता। मैं मुख्यमंत्री जी को आग्रह करना चाहूँगा कि जयपुर में जहाँ कैपिटल है उस कैपिटल में इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, आप वहाँ स्वयं बैठ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उसको ठीक करें। मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की जो महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही है बड़ी शर्मनाक घटनाएं हैं, इस पर काम करना चाहिए।